इसमें रोमांस है, ट्रेजेडी है और थोड़ा सा सेक्स भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिसे करते तो सभी हैं लेकिन बताता कोई नहीं। तो आज बात होगी कुछ ऐसे चीज़ों की जिसे देखकर आपके अंदर करंट दौड़ने लगेगा, आपका दिमाग शून्य हो जाएगा और आपका पलंग हिलने लगेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बत्ती बुझा लें और हाथ में तेल लगा लें। लेकिन सफर पर चलने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर ड्राइवर अपने हाथ गाड़ी चलाते पकड़ा गए तो वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो चलिए काम देवी का नाम लेकर शुरू करते हैं। द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड ये नेटफ्लिक्स की एक कॉमेडी डार्क वेब सीरीज है। कहानी एक लड़का और एक लड़की की है जो उल्टी खोपड़ी पैदा हुए और हमेशा उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। साला जो मुठबाज लौंडा है और हिला हिलाकर हड्डी हो गया है, वो हर वक्त यही सोचते रहता है कि किसी की जान कैसे ले। और साली जो लौंडिया है, वो हमेशा यही चाहती है कि कोई उसकी तबीयत से बजाय और उसकी तड़पती जवानी को शांत करे। यानी कि हौसी लौंडिया ढेर सारा सेक्स करना चाहती है और सातवें आसमान का सैर कर जन्नत में पहुंचना चाहती है। लेकिन मजा तो तब आता है बेंचो जब ये दोनों उल्टी खोपड़ी के लोग आपस में मिल जाते और घपाघप करके एक दूसरे का पानी निकाल देते हैं। वैसे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। द विचर ये नेटफ्लिक्स की एक एक्शन फैंटेसी वेब सीरीज है जो बहुत ही सॉलिड और दमदार है। इसमें रहस्य, रोमांच, लौड़ा लहसुन और पप्पू पेलू वाले सीन की भरमार है जो आपको हिलाने पर मजबूर कर देगी। वैसे इसकी कहानी तो सॉलिड है ही, लेकिन इसका एकदम धांसू एक्शन और कई तरह के जादू टोना देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इन सब के अलावा इसमें पलंग तोड़ वाले इतने सीन दिखाए गए हैं कि हिला हिलाकर आप अपना नुन्नू जरूर टेढ़ा कर लेंगे। खैर, आपने अपनी लाइफ में यह जरूर देखा होगा कि कोई लड़की पहले बहुत गंदी दिखती और अचानक से कुछ दिनों बाद एकदम से माल बन जाती है। तो कुछ इसी तरह की लड़की आप इसमें भी देखेंगे जो अपने हुस्न को ऐसे बांटती है जैसे लोग भंडारे में प्रसाद बांटते हैं। तो अगर आप ढेर सारा एक्शन, जादू टोना और पेला पेली देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें। सेक्स एजुकेशन ये नेटफ्लिक्स की एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। वैसे ये वेब सीरीज इतनी दमदार, सॉलिड और मजेदार है कि मजा ही आ जाएगा बेंचो। ये वेब सीरीज ठरकी मुठबाज और लौड़ू लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि हर कोई सेक्स का भूखा है, कोई किसी की लेना चाहता है तो कोई किसी की बजाना चाहता है। वैसे इसकी कहानी उन लोगों की है जो लाइफ में पहली बार हिलाते हैं और खुद को जन्नत में पाते हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इसकी कहानी टीनेजर लड़कों एवं लड़कियों की है जो पलंग तोड़ने के लिए सात जन्मों से तड़प रहे हैं। खैर, ढेर सारा घप और पलंग तोड़ सीन के साथ साथ इसमें आप बेहतरीन लव स्टोरी भी देख पाएंगे। तो अगर आप अपनी स्कूल की जीएफ को याद करना चाहते हैं या उसके साथ रातें रंगीन करना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें। अल्टर्ड कार्बन ये एक वेब सीरीज ही नहीं बल्कि तबाही है, मतलब देखकर मजा आ जाएगा बेंचो। इसमें एक्शन, रोमांस, लौड़ा लहसुन सब कुछ है जो आपको दीवाना बना देगी। वैसे कहानी फ्यूचर की है जहां हर इंसान के दिमाग में एक चिप लगा होता है जो उसके मेमोरी को स्टोर करता है। और मजे की बात यह है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका चिप निकालकर उसी के क्लोन में लगा दिया जाता है। यानी कि फ्यूचर की दुनिया में मनुष्य कई शरीर बदलता है और सैकड़ों साल जीता है। इसके अलावा मनुष्य फ्यूचर में और भी ज्यादा ठरकी और मुठबाज हो गया है। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस गई है कि आप सनी लियोनी या मिया खलीफा किसी के साथ भी घपाघप कर सकते हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस वेब सीरीज में एडल्ट सीन की भरमार है। इन सभी पप्पू पेलू और गंदी बातों के साथ साथ इसमें आप तबाड़तोड़ कुटाई भी देख पाएंगे। तो अगर आप धूम धड़ाका और गांड फाड़ एक्शन देखना पसंद करते हैं तो इसे जरूर देखें। दी गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस ये एक वेब सीरीज ही नहीं बल्कि हवसी एवं मुठबाज लोगों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। इसमें इतनी सारी खुल्लम खुल्ला ठुकाई दिखाई गई है जिसे देखकर मजा आ जाएगा बेंचो। या भी आप इतना समझ लीजिए कि ये कोई वेब सीरीज नहीं है बल्कि यह स्टोरी के साथ कोई पॉर्न मूवी है। इसमें चद्दर में गद्दर मचाने वाले सीन के साथ साथ स्टोरी का भी तड़का है जो वेब सीरीज में चार चांद लगा देते हैं। वैसे कहानी एक लड़की की है जो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ लोगों की रातें भी रंगीन करती है। यानी कि वह पैसे कमाने के लिए और अपनी अपनी जवानी का प्यास बुझाने के लिए कई लोगों के साथ सोती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हौसी लौंडिया किस किस को और कैसे कैसे देती है तो आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि ये वेब सीरीज सारे एडल्ट वेब सीरीज का बाप है, तो इसे देखकर अपने शरीर के लौड़े जरूर लगाएं।